महसूस यह हुआ कि जो सरकार है बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। पहले गांव में कहते थे कि यह जो सरकार है यह उद्योगपतियों की है। वह साबित हो रहा किसानों की फसल लूटने का पूरा प्रोग्राम बना रखा है, किसानों की जमीन लूटने का प्रोग्राम बना रखा है, देश को गरीब बनाने का प्रोग्राम बना रखा है। राज्य पिछली सरकारें बातचीत करती थी, अंग्रेजी हुकूमत भी बातचीत करती थी, अगर कोई चीज वो लेकर आते थे तो वो बातचीत करती थी, उसका समाधान निकालती थी। ये तो अंग्रेजी हुकूमत से भी खतरनाक है। किसानों के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए और जो आम जनता है उसके लिए ये कानून खराब है और देश के लिए सरकार खराब है। ये आंदोलन संघर्ष से समाधान तक चलेगा। आंदोलन 10 महीने हो गए सरकार ने, उसके बाद 12 जनवरी शायद जब तक खेत ये तो किसान अपनी फसल बोक है और वो फसल उसमें बर्बाद हो जाती है। जब पक जाती है फसल बर्बाद होगी उसमें तो अगली फसल की फिर तैयारी करता है। हमने मुड्ढा निकाल के बाढ़ फूंक दिया, इसकी जुताई कर लो जिसको करना, जिसमें जुताई करके गेहूं होगा अप्रैल में वही कटेगा। लखीमपुर खीरे में गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी से भारतीय किसान यूनियन संतुष्ट है या नहीं? जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा कोई भी पुलिस अधिकारी उस जांच में सही नहीं कर सकता। उनका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, आगरा की जेल में बंद हो, वहां से 8-10 दिन बाद में उनको रिमांड पे ले और उसके बाद में वे तोते की तरह बापू बेटा बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। जैसे 12 घंटे की पूछताछ हुई है उसने कुछ नहीं हुई, पुलिस को काफी बरगलाया। आज जो खा के पूछताछ होती है, क्या पुलिस पे ये काजू खाने का आरोप है? थाने में तो तोते की ढाल एक रात में छोड़ दो, सारी बता दे। दिन की पूछताछ भी होती, अकेले में रात को थाने में छोड़ दो पुलिस वालों के बीच में, बिल्कुल सही बताएगा। उसका मुखिया दोषी है, उसका लड़का दोषी है, 120 बी का मुलजिम है। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। किसानों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। 18 तारीख की हमारी रेल रोकने का प्रोग्राम है 6 घंटे का। जो आपका 12 तारीख में हमारा लखीमपुर प्रोग्राम है तिकोनिया का, और 26 तारीख का हमारा लखनऊ में बड़ी पंचायत करने का प्रोग्राम। 25-26 वो हर तरह का षड्यंत्र रच रही है, वो बदनाम करने की वो करती है। उसने 12-14 तरह के एलिगेशन लगा लिए अब तक किसान आंदोलन पे। 750 किसान देश में शहीद हो गए, देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द उन किसानों के लिए नहीं कहा। क्या जिन किसानों की डेथ हुई वो उस देश के नहीं है? क्या देश का प्रधान या प्रधानमंत्री या सरकार या अकेले उन लोगों को है जिन्होंने इसको वोट दी? क्या ये सरकार एक वर्ग की है? क्या ये सरकार सिर्फ बीजेपी के लोगों की है? ये हमारा सवाल है, देश के प्रधानमंत्री बतावे कि आप प्रधानमंत्री सबके हो या कुछ हिस्से के प्रधानमंत्री हो।